और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, देश में बस ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल लगातार जारी है। सब्जी सप्लाई ठप हो चुकी है, सब्जी के बड़े दाम बढ़ चुके हैं और आज भी नहीं चलेगी बस टैक्सी ऑटो। देश भर में ये प्रदर्शन जारी है और दूध से लेकर सब्जी किराना सप्लाई प्रभावित हुई है, कई सेक्टर्स इसमें बंद होने की भावना है। तो देश भर में बस ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल जारी है और देश के सर्वाधिक राज्यों में हिट एंड रन कानून को लेकर के ये विरोध लगातार किया जा रहा है, हड़ताल पर है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो चुका है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी है, पेट्रोल डलवाने को लेकर की ग्राहक परेशान हो रहे हैं। बता दें कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो चुका है, पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी है। एमपी के कई पेट्रोल और डीजल भी भारी किल्लत है और देश भर के राज्यों में रुकी है डीजल पेट्रोल की सप्लाई। डीजल पेट्रोल की सप्लाई बंद होने से पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी है, स्कूल बस और वैन भी चलना बंद हो चुकी है। सब्जी की सप्लाई ठप हो चुकी है, सब्जी के दाम भी बढ़ चुके हैं, बड़ी खबर आपको बता दें। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज भी बसें नहीं चलेगी, टैक्सी ऑटो नहीं चलेगी, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूध से लेकर सब्जी किराना सभी सप्लाई प्रभावित हुई है। तो देश भर में ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल आज भी लगातार जारी है, हिट एंड रन कानून को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गोपाल जी, देश के कई राज्यों में, हालांकि मध्य प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ये हड़ताल देखने को मिल रही है, इस हड़ताल के चलते बुरहानपुर में किस प्रकार से जो सप्लाई की चेन है वो प्रभावित हुई है? जी मनीष जी, बता देना चाहूंगा कि बुरहानपुर में लगातार जो है पिछले दो दिनों से यहाँ पर जो है ट्रक और बस की हड़ताल के चलते और ड्राइवर कंडक्टर जो है सड़कों पर है, ट्रक के पहिए थम चुके हैं, बसों के पहिए थम चुके हैं, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट यातायात बिल्कुल ही ठप हो चुका है जी। यहाँ ना तो अब कोई ऑटो चल रहा है, ना ही किसी प्रकार से कोई मैजिक चल रही, और जिसके चलते यहाँ तक कि अब इसमें बसें भी बिल्कुल बंद हो चुकी है। जी हम बात करें तो पेट्रोल टैंकर भी यहाँ नहीं पहुंच रहे, जिसके चलते पेट्रोल पंपों पर काफी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल सकती है और यहाँ पर अब पेट्रोल पंप भी बंद हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि दो टैंकर यहाँ से जो है कलेक्टर ने भेजे हैं, जिस तरह से अब करीब 3 बजे तक जो है पेट्रोल पंपों पर वापस पेट्रोल की सप्लाई प्रारंभ हो सकेगी। लेकिन गोपाल जी, बड़ा सवाल ये है कि कब तक इस क्राइसिस का सामना आम जनता को भुगतना पड़ेगा, कब ये क्राइसिस बंद होगी? इसके लिए प्रशासन ने, शासन ने क्या कुछ व्यवस्था की है? क्या शासन की तरफ से कोई ऐसा सर्कुलर आदेश जारी हुआ है जिससे कि आम लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, चाहे वो सब्जी के दाम बढ़े हो या चाहे दूध के दाम बढ़े हो, पेट्रोल पंप पर तो लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कब तक ये क्राइसिस चलेगा, बंद होगा क्राइसिस? गोपाल जी, जी मनीष जी, बता देना चाहूंगा कि अभी अब तक जो है किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं हो सका है और न ही किसी प्रकार से जो है प्रशासन, हालांकि प्रशासन इस प्रयास में है कि लोगों को किल्लत ना हो और वो आसानी से उन्हें हर चीज उपलब्ध हो सके, लेकिन जिस तरह से यदि हम बात करें कि सारा बस और ट्रकों के पहिए थमने से देश के अंदर जो है सभी वस्तुओं का आयात जो है बंद हो जाता है, जिले में सारे दूध भी, दूध की बात करें दूध भी यहाँ पर टैंकरों से पहुंचता है वो भी बंद हो चुका है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अधिकांश वस्तुएं जो है यातायात के भरोसे है, ट्रांसपोर्ट के भरोसे है, जिसके चलते यहाँ सभी चीजें आप ठप होने लगी है और यहाँ लगातार जो है जिस तरह से देखा जा रहा है कि ड्राइवर और कंडक्टर और सभी जो है जिस ड्राइवर की श्रेणी में आते हैं उन्होंने सभी ने जो है इस हिट एंड रन कानून के खिलाफ जो है काला कानून लेकर जो है हड़ताल पर है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए गोपाल जी आपका बहुत शुक्रिया। हिट एंड रन कानून के विरोध में देश भर में रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, उनके हड़ताल पर जाने से सप्लाई की चेन प्रभावित हुई है, दूध के दाम बढ़े हैं, सब्जियों के दाम भी बढ़ चुके हैं और चार पहिया वाहन के पहिए थम चुके हैं, इससे आम जनता और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से रोडवेज कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और पेट्रोल पंपों पर ये लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और आज भी बस टैक्सी ऑटो नहीं चलेगी, आज भी यात्रियों को परेशान होना पड़ेगा, दूध से लेकर सब्जी तक
सभी की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। लेकिन बड़ा सवाल है कब ये क्राइसिस रुकेगी, कब ये क्राइसिस बंद होगी, कब तक आम जनता को परेशान होना पड़ेगा।